हाँ फ्रेंड्स, मोना की रसोई में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, एक मैं नया तरीके की रेसिपी बनाने जा रही हूँ जो कि आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। दम आलू तो बहुत लोग बनाते हैं, तो मैं कुछ अलग ही दम आलू बनाने जा रही हूँ जो कि मेरा दम आलू बिना उबाले बनेगा और बहुत ही अच्छा होगा। तो ये मैं आलू छील के इसको अच्छे से मैं 2-3 पानी से धुल ली हूँ और इसको मैं सूखा कपड़ा से पोंछने जा रही हूँ। पोंछने से क्या होगा कि तेल में ये उड़ेगा नहीं। उसके बाद मैं सारे आलू में छेद कर लूँगी ताकि ग्रेवी अंदर अच्छे से घुस जाए, ऐसे ऐसे करके। हाँ फ्रेंड्स, मेरा सारा आलू में देखिए खूब बढ़िया से छेद हो गया है। और इधर मैं कढ़ाही रख दी हूँ, कढ़ाही गैस जला के कढ़ाही रख दी है और उधर मेरा तेल गरम होने वाला है। और ये मेरा तेल गरम हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें आलू फ्राई करूँगी। तो आलू फ्राई करने के लिए फ्रेंड्स कि आलू पूरे ना वो उसमें का पानी से छीटा ना पड़े, इसलिए हम पहले कच्ची सब्जी भूनने से पहले मैं हल्दी डालती हूँ। उसके बाद मैं इसी में मैं आलू डालूंगी, इससे क्या होता है तेल नहीं उड़ता है। इस तरह से आलू को मैं फ्राई करूंगी। इसी तरह से मीडियम आंच पे जब तक ब्राउन हो जाए तब तक मैं इसको फ्राई करूंगी। और इधर फ्रेंड्स, उधर मेरा आलू फ्राई हो रहा है, इधर इधर मेरे पास ये है जो इसमें मैं 4 प्याज है, 3 टमाटर है और ये अदरक का टुकड़ा है, ये मिर्च का है और बाकी मैं फ़ोरन डालूंगी। मैं मसाला बहुत ही कम डालती हूँ और मेरा सब्ज़ी बनके बहुत फर्स्ट क्लास होता है। इसको मैं तो पहले कट कर लूँगी सब, इसको मैं ब्राउन करके, प्याज ब्राउन करके अब कम ये टमाटर में मैं ग्राइंड करूँगी ताकि इससे ग्रेवी बहुत ही अच्छा बनता है। तो देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। तो हाँ फ्रेंड्स, देखिए कितना अच्छा से टमाटर कट गया है, इसी में ये अदरक का टुकड़ा मैं काट दी हूँ, इसको मैं उसी में ग्राइंड कर लूँगी। और ये प्याज है, इसको मैं ब्राउन करके ये टमाटर ये दोनों पीसूँगा, कम मसाला डाल के मैं बहुत ही अच्छे तरीके से दम आलू बनाऊँगी और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी आप लोग को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि मैं आगे वीडियो और अच्छा अच्छा बना के दूँ। और मेरा वादा है कि मैं हमेशा अच्छा अच्छा वीडियो आप लोग अच्छा अच्छा डिशेज दिखाऊँगी, आप लोग मेरा सपोर्ट करें। अब देखिए मेरा आलू इधर फ्राई हो रहा है, देखिए कितना बढ़िया सुनहरा आलू फ्राई हो रहा है, हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है। ये ब्राउन हो जाएगा तो इसको निकाल के इसे मैं वो प्याज फ्राई कर लूँगी और उसको फिर मिक्सर में पीस के फिर मैं इसका ग्रेवी तैयार करूँगी। हाँ फ्रेंड्स, देखिए मेरा कितना सुनहरा आलू अच्छे से फ्राई हो गया है, तो मैं इसको निकाल ले रही हूँ। थोड़ा कम आंच करके मैं इसको इस बाउल में निकाल ले रही हूँ। देखिए कितना बढ़िया आलू फ्राई हो गया है। अब इसी तेल में मैं ये प्याज डालूंगी, अलग से हमको तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, इसी में मेरा मसाला भी भिजा जाएगा। जब ब्राउन हो जाएगा तो इसको निकालूंगी, निकाल के थोड़ा सा ठंडा करके मैं इसको पीसूंगी टमाटर के साथ, अदरक के साथ और उसके बाद फिर मैं ग्रेवी बनाऊँगी, आपको दिखाऊँगी। बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छा रेसिपी होता है, विश्वास करिए फ्रेंड। आप लोग अपने घर में बना के देखिए, उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे खाने के बाद, मन हमेशा मन के यही करेगा कि ज़रूर बना के खाएं, ज़रूर बना के खाएं। हाँ फ्रेंड्स, देखिए तो मेरा प्याज थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो, हाँ फ्रेंड्स देखिए मेरा प्याज अब धीरे धीरे सुनहरा हो रहा है। ये ब्राउन हो जाएगा तब मैं इसको निकालूंगी, निकाल के और फिर टमाटर और उसमें सब में पीसूंगी, इससे क्या होगा कि देखने में भी सुंदर लगता है और इसका ग्रेवी और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ फ्रेंड्स, इसको पूरा ब्राउन नहीं, तो हाँ फ्रेंड्स देखिए ये प्याज फ्राई हो गया है, इसको मैं थोड़ा सा ठंडा कर ली हूँ। और ये टमाटर और ये अदरक का टुकड़ा मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी और इसी में मैं ग्राइंड कर दूँगी। और इधर मेरा तेल
गरम हो रहा है, ये मेरा तेल गरम हो रहा है। इसमें मैं हरी मिर्च दो डालूंगी फोरन में। और थोड़ा सा मैं इसमें हाँ फ्रेंड, तो सबसे पहले मैं मेथी डाली हूँ। मेथी हल्का हल्का वो हो रहा है, सबसे पहले मेथी डाली हूँ मिर्चा डालने के बाद। और उसके बाद ये दालचीनी डाल रही हूँ, उसके बाद ये तेज़पत्ता, उसके बाद ये जीरा और ये लहसुन का तड़का। इसमें पीस के लहसुन नहीं पड़ता है, ऐसे लहसुन का तड़का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है दोस्तों। हाँ फ्रेंड्स, तो मेरे देखिए तड़का खूब अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें वो जो प्याज और उसका टमाटर का जो पेस्ट और अदरक पीसी है ना, वो मैं इसमें डाल दूंगी। एक चम्मच हल्दी पाउडर डालूंगी, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया और जीरा मरीच का पाउडर, घर में ही मैं बना के रखती हूँ, तो एक से डेढ़ चम्मच। इसमें मैं थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी आधा चम्मच। आप ज़्यादा तीखा खाना चाह रहे हैं तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, नहीं तो हरा मिर्चा से भी बन जाता है, लाल मिर्च पाउडर से भी बन जाता है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, चटपटा बनाना हो तो। फिर इसको ऐसे ऐसे हम चलाएंगे। बहुत ही अच्छा बनता है फ्रेंड। और इसमें मैं नमक डालूंगी, इसमें मैं एक चम्मच स्वादा अनुसार नमक। इसको मैं दो मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई होगा। एक से डेढ़ चम्मच मैं नमक डाली हूँ, मेरा जितना सब्जी है, आप लोगों के पास जितना सब्जी का मात्रा होगा उतना आप लोग डालिएगा। हाँ फ्रेंड्स, देखिएगा कितना बढ़िया मेरा मसाला भुन रहा है। अब एक से डेढ़ मिनट में मेरा मसाला भुन के तैयार हो जाएगा। इसमें मैं एक चम्मच गरम मसाला डालूंगी, जो कि मैं खड़ा गरम मसाला ला के बाज़ार से घर पे ग्राइंड करती हूँ। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये जो मैं आलू फ्राई करके रखी थी छेद करके, इसको आप काट भी सकते हैं नहीं भी काट सकते हैं। थोड़ा सा मेरा आलू बड़ा है इसलिए मैं इसको कट कर ले रही हूँ, और इससे भी छोटा हो कोई ज़रूरी नहीं कट करने का। तो हाँ फ्रेंड्स, ये आलू का मैं दो दो टुकड़ा कर ली हूँ, छोटा और इससे भी छोटा आलू रहे तो एक ही चलेगा। ये भी कोई बड़ा नहीं था, इसको भी आप रख सकते हो, ये आपके खाने के ऊपर डिपेंड करता है। और ये मैं मसाला भूज रही हूँ, इसमें मैं अलग से तेल नहीं डाला है। जो मैं प्याज फ्राई करके निकाली थी ना, आलू फ्राई करके उसके बाद प्याज फ्राई की हूँ, और उसके बाद ये मैं मसाला भून रही हूँ एक तेल में, सब सब्जी बनके तैयार। हाँ फ्रेंड्स, तो इसमें मैं फ्राई आलू डाल दूँगी, इसको मैं थोड़ी देर भूज के एक मिनट, उसके बाद मैं इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालूँगी। हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए कितना अच्छा सुनहरा भुन गया है, और ये कढ़ाई छोड़ने लगा है, मसाला भी भुन के तैयार हो गया। तो इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी, जितना आपको पानी डालना है आप अपने मुताबिक पानी डालिए, जैसा ग्रेवी रखना है। तो हमको तो अभी चावल के साथ खाना है, इसको थोड़ा हम ग्रेवी दो मिनट बाद मीडियम
आँच पे पका के बंद हो जाएगा और सब्जी बन के तैयार हो जाएगा। और इसमें मैं थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल दूँगी, इससे आलू दम आलू का स्वाद बहुत अच्छा आता है, एक अलग ही फ्लेवर हो जाता है। और दोस्तों बना के खाइए इस तरह की दम आलू, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए कितना बढ़िया दम आलू बन के तैयार है, बिना उबाले दम आलू। तो इसको मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ और मैं इस बाउल में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ सब्जी को। देखिए कितना अच्छा ग्रेवी बना है दम। हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए इस पे धनिया पत्ता सर्व। हाँ दोस्तों, तो देखिए इस पे धनिया सर्व कर दीजिए। देखिए कितना बढ़िया दम आलू बनके तैयार है, खाते ही मज़ा आ जाए। थैंक यू।